वेलकम टू माय टिप टॉप स्टिचिंग चैनल। आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक जैकेट, जो कि हम किसी भी कुर्ते के ऊपर, शर्ट के ऊपर या कोई टॉप वगैरह है उसके ऊपर हम उसको कैरी कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिए। दोस्तों, इस जैकेट को हमें बनाने के लिए फैब्रिक कम से कम 1 मीटर चाहिएगा। ये देखिए, ये हमारा मेज़रमेंट है। इसकी जो हम टोटल लेंथ रखने वाले हैं वो 14 इंच है, और जो हमारा शोल्डर है वो 14.5 इंच है। चेस्ट इसका 30 है, वेस्ट इसकी 24 है, और जो स्लीव्स है उसकी लेंथ है 14 इंच, और जो हम इसकी गोलाई रखेंगे वो हमारी 10 इंच की है गोलाई, और जो नेक है वो फ्रंट से 6 इंच और बैक से नॉर्मल है। बैक से इसमें कोई डीपनेस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हमने डबल इस तरीके से पकड़ रखा है और इसको इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये खुला वाला पोर्शन है इसको हम इस तरीके से अपनी तरफ साइड में रखेंगे, इस तरीके से, और जो हमारा ये बैक वाला पोर्शन है इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से हमें बैक में रखना है। ये हमें आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर इस तरीके से छोड़ते हुए हमें इसको इस प्रकार से अरेंज कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका कपड़ा यहाँ से इक्वल नहीं है तो आप पहले यहाँ से इक्वल कर लीजिए, फिर इसकी मार्किंग कर लीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ से इक्वल कर लिया है, अब हम इसकी मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसको इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से। अब हम इसके शोल्डर लगाएंगे। जो हमारे शोल्डर हैं तो उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे। जब 1 इंच ऐड करेंगे तो उसका हम हाफ यहाँ पर मेज़रमेंट लगाएंगे। तो हमारा ये 14.5 है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 15.5 का हाफ। तो ये देखिए, ये हमने लगाया 15.5 का हाफ, ये हमारा 7.25 हो गया है। ठीक इसी प्रकार से एक मेजरमेंट हम यहाँ से लगाएंगे ताकि हमें लाइन ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आप चलिए, जो हमारी टोटल लेंथ है हम वो लेंथ लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए, हमारी ये फिक्स आ गई है यहाँ पर, 14 इंच हमारी ये टोटल लेंथ है, ठीक है। और हमने यहाँ पर 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है और इसे इस प्रकार से हम मार्किंग कर लेंगे। अब जो हमारे आर्महोल है, सबसे पहले हम आर्महोल का निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे 7 इंच का आर्महोल लिया है। चूँकि ये जो जिस भी लड़की का हम यहाँ पर ये और जैकेट बनाने वाले हैं वो काफ़ी हेल्दी नहीं है, वो नॉर्मल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसका चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो हमारी चेस्ट है वो हमारी 30 इंच है, तो 30 में हम प्लस 3 ऐड करेंगे, क्योंकि ये जैकेट हम किसी भी फैब्रिक पर हम जब इसे वियर करेंगे तो हम उसको प्लस 1 और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये हमारा 30 का 33 हो जाता है। तो ये देखिए, हमने 33 का यहाँ पर मार्किंग लगा लिया इस प्रकार से। अब हम यहाँ वेस्ट का लगाएंगे। जो हमारा वेस्ट है वो 24 है, 24 में हम प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 27। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर लगाया 27 इस तरीके से, और यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसे इस प्रकार से रखेंगे और हम इसे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा अंदर की तरफ
इस प्रकार से अंदर की तरफ हम रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से हम गड़ाव देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कटिंग है वो हम इस मार्किंग से लेके यहाँ तक और ये जो 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ से इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, जितना हमने यहाँ पर इस तरीके से हमने 1 इंच का छोड़ा था तो जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसमें भी हम यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच तो हम ये ऊपर वाला निशान लगाएंगे और 1 इंच यहाँ पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। हम ये जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसे एक बार हटा के साइड में कर देंगे और जो बैक वाला पोर्शन है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 3 इंच का मार्किंग किया और इस मार्किंग से यानी यहाँ पर टॉप से हमें यहाँ तक इसे इस तरीके से शोल्डर को ढलते हुए इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। इस प्रकार से ठीक इसी प्रकार से जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें भी हमें कटिंग करनी है। हम यहाँ से 1/2 इंच का निशान यहाँ पर छोड़ देंगे और यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से हमें ढलते हुए इसकी कटिंग करनी है। हमने दोनों शोल्डर जो हमारी ये बैक और जो फ्रंट पार्ट के शोल्डर हैं वो हमने तिरछे कटिंग कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बैक वाला पोर्शन है उसमें हमें इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से इसकी डीप कटिंग करनी है। और जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है उसमें हमें क्या करना है, जो हमारी ये आर्मोल है आर्मोल में भी हमें डीप कटिंग करनी है। ये देखिए किस प्रकार से जो अंदर की तरफ हमें गड़ाव डालना है। और इसे हमें कट कर देना है। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब क्या करना है, जो हमारा फ्रंट नेक है वो हमें लगा लेना है। हम फ्रंट नेक बुकरम पे तैयार करने वाले नहीं हैं। हम यहाँ से लेंगे 6 इंच इस तरीके से और यहाँ एक पैनल क्रिएट करेंगे इस तरीके से। और हमें इसमें गोल शेप देनी है क्योंकि हम इसका जो नेक है वो गोल रखने वाले हैं और इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने जो ये नेक है उसकी हमने कटिंग कर ली है। अब हमें इसकी आस्तीन कट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से हमें इसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से हमने फोल्ड कर रखा है। ये हमारे 4 भाग हैं, ये 2 और 2 ये वाले, इसको हमने इस तरीके से तय कर लिया है। यहाँ से हमें इस प्रकार से अंदर की तरफ 3 इंच का निशान लगाना है और एक लाइन इस प्रकार से हमें स्ट्रेट ड्रॉ करनी है। और हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जो हमने ये वाली मार्किंग की है ये किस अकॉर्डिंग की है। दोस्तों जो हमारे कुर्ता होता है उसका जो हम आर्मोल काटते हैं उसी आर्मोल को नाप के हम इसका ये मार्किंग करते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच का आगे दबाव छोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी हमारी बाजू की गोलाई है हम सबसे पहले हम यहाँ पर वो लगा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर गोलाई का निशान लगा लिया है और यहाँ पर हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे और इसे इस प्रकार से हमें मिला लेना है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से हमें मिला लेना है।
अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और इसे इस शेप के अकॉर्डिंग, और ये बाहर जो हमने मार्जिन छोड़ा है इस मार्जिन पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कुटका लगाना है इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कुटका नहीं होना चाहिए, कुटका बिल्कुल मीडियम होना चाहिए ताकि ये स्टिचिंग में आराम से दब जाए। अब क्या करना है, हमें इसे इस तरीके से उठाना है और यहाँ से अंदर की तरफ इस तरीके से डीप शेप लगानी है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला फ्रंट वाला पोर्शन है उसे हम तैयार करेंगे। सबसे पहले जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका हम नेक तैयार कर लेंगे। जो हमारा नेक है उसे हम ये उरे पट्टी के द्वारा हम तैयार करेंगे। इसे हमें इस तरीके से मैनेज करना है। और उसे इस तरीके से हमें पट्टी को खींचते हुए इसको इस तरीके से स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमने इस पे उरे पट्टी लगा ली है। अब हमें इसे इस प्रकार से पकड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें इसकी यहाँ पर टॉप पर स्टिचिंग लगा लेनी है। ये देखिए, ये हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हमें जो ये जो हमारा ये स्क्रैप है जो बचा हुआ है, ये एक्सेस कपड़ा, इसे हमें कटिंग करके हटा देना है। ये देखिए, एक्सेस जो कपड़ा था हमने हटा दिया है कट करके। अब इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें नोक की सिलाई लगानी है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है और यहाँ पर जो एक्सेस था वो हमने हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लुप्पी लगानी है। ये हमने कपड़ा लिया है, ये एक इंच का कपड़ा है थोड़ा सा, और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है इसको, और इसे हमें पलट लेना है जिस प्रकार से हम डोरी बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने लुप्पी तैयार कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट पट्टी इसी के साथ में हमें इसको इस तरीके से रख लेना है, और यहाँ पर ही हमें स्ट्रेट पट्टी इस तरीके से ऊपर ये इतना मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने पट्टी लगा ली है और यहाँ पर हमने ये लुप्पी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, या आप पहले ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें एक स्टिचिंग लगानी है, बिल्कुल नोक की सिलाई लगा लेनी है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको इस तरीके से करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए, ये हमने स्टिचिंग लगा ली है बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छे तरीके से। अब हम इस वाले पोर्शन पे भी ये वाली जो स्ट्रेट पट्टी है इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे तैयार कर लिया, स्टिच कर लिया। अब जो हमारा बैक वाला पोर्शन है इसमें हमने क्या किया है, जो हमारा ये नेक है ये नॉर्मल था, इसे हमने उरे पट्टी लगा के स्टिच कर लिया है। अब हमें इसकी कंधी कर लेनी है, जो कि हम कर लेते हैं।
ये देखिए हमने इसकी कंधी भी कर ली है और हमने इसकी स्टिचिंग भी यहाँ पर लगा ली है। अब हम इसकी आस्तीन चढ़ा लेंगे। दोस्तों ये देखिए जो हमारी ये आस्तीन है, ये हमने डिज़ाइनर आस्तीन बनाई है जो कि हम जैकेट में यूज़ करने वाले हैं। ये डिज़ाइनर आस्तीन किस प्रकार से बनानी है इसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप इसे वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि हमने ये डिज़ाइनर आस्तीन किस प्रकार से स्टिच की है, किस प्रकार से तैयार की है। ये देखिए ये हमने इसकी आस्तीन चढ़ा ली है, स्टिच कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसे इस प्रकार से रखना है और जो हमारा बैक वाला पोर्शन है और फ्रंट वाला पोर्शन है, पहले हमें इसके नीचे की मुड़ाई कर लेनी है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा उतनी हमें इसकी मुड़ाई कर लेनी है। ये देखिए ये हमने फोल्डिंग कर ली है, जो हमारे पार्ट्स थे ये बैक वाला पार्ट है उसकी भी हमने फोल्डिंग कर ली है, जो फ्रंट वाला पार्ट था उसकी भी हमने फोल्डिंग कर ली है। अब हम इसका फिटिंग का जो हमने मार्किंग किया था उस पर हम स्टिचिंग लगा लेंगे। ये हमारा देखिए फिटिंग का मार्किंग लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक इसी पर हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स जो हमारी लेडीज जैकेट है वो स्टिच होकर पूरी तैयार हो चुकी है। हम यहाँ पर ये जो बटन से ये यूज़ करने वाले हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फैंसी बटन, डायबल बटन या कोई फ्लावर वगैरह भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों हमने इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है, जो हमने जानकारी शेयर की, बड़े ही अच्छे और आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में और एक नई जानकारी के साथ में। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।